हेलो फ्रेंड्स, मैं सीखो जिंदगी से। फ्रेंड्स, आज मैंने ये जेंट्स कार्डिगन बनाया है, बहुत अच्छा लगता है बनके। फ्रेंड्स ये देखिए, बहुत अच्छी बुनाई डली है इसमें, आप लोग भी ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कैसे डलेगी। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं, 10 फंदों की डब्बी है ये, 10 फंदों की एक एक डिब्बी बनेगी ये। तो मैंने यहाँ 20 डाले हैं और एक एक फालतू डाला है 22 डाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने पहले सीधा एक फंदा उतारना है और फिर फ्रेंड्स हमने 5 सीधे डालने हैं, 1 2 3 4 4 5, 5 हमने सीधे बीन लिए फ्रेंड्स। और आगे धागा करके फिर हमने 2 का 1 बनाना है, जाली डलेगी यहाँ पे। ध्यान से फ्रेंड, आगे धागा करके 2 का 1 बनाना है, फिर हमने ऐसे ही रिपीट करना, 2 का 1 फिर बनाना है, 2 बार रिपीट करना है ये, 2 का 1 2 का 1। तो आगे धागा करके 1 उल्टा, ये फ्रेंड्स 10 फंदे हो गए। सबसे पहला फंदा उठाया हमने, फिर 5 सीधे बिने और 5 4 के अंदर जाली डली, 2 का 1 2 का 1 बन के 1 उल्टा बनाया फ्रेंड्स, 10 हो गई। और फिर यही रिपीट करेंगे हम, 5 सीधे बनाएंगे, 3 4 5, 5 के बाद फिर हम आगे धागा करके 2 का 1 जाली डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे 2 बार। एक बार हो गया, अब दूसरी बार 2 का 1 और लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा और उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी सिलाई उल्टी डलेगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम सीधी साइड आ जाते हैं अपनी तीसरी सिलाई पे। सबसे पहले एक फंदा उठाएंगे, फिर पहले हमने 4 सीधे बिने थे ना, 5 सीधे बिने थे, अब 4 बिनेंगे, 1 2 3 4, 4 सीधे बिने हैं। पहले पहली सिलाई में फ्रेंड्स हमने 5 सीधे बिने थे, अब 4 सीधे बिनेंगे और आगे धागा करके वही 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे, 2 जालियाँ आएंगी। और आगे फ्रेंड्स 2 बनाएंगे उल्टे, क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया है तो 2 उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करके 4 सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 2 का 1, फिर धागा आगे करके 2 का 1 2 बार करेंगे और फिर 2 उल्टे फंदे बिनेंगे और लास्ट वाला सीधा फंदा 1 और उल्टी सिलाई उल्टी। और फ्रेंड्स, हमारी ये देखिए जालियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ घटने, ये सीधे वाले घट रहे हैं और जो उल्टा हमने 1 डाला था ये 2 बन गया, अब 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे और ये सिलाई घटती जाएगी ये सीधे वाली। फ्रेंड्स, हमने अब 3 डाले थे, अब 3 डालेंगे, अब पहले 4 डाले थे, 3 डाले सीधे और फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे और आगे धागा करके 3 उल्टे बिनेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी बात की ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें
जितने सीधे बिनते हैं उतने ही उल्टे बिनते हैं। जैसे जैसे वो सीधे बिनते जाएंगे घटते जाएंगे, वैसे ही उल्टे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने चार पांच बिने थे सीधे और उल्टा एक ही बनाया था जालियाँ डाल के, तो ऐसे 4 3 2 1 ऐसे, और ऐसे ही यहाँ बढ़ते जाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 ऐसे होते जाएंगे, 5 बन जाएंगे। ये रिपीट कर रहे हो, उल्टी लाइन उल्टी है हमारी। फिर हम 3 सीधे बिनेंगे और 2 का 1 और 2 का 1 कर देंगे और 3 उल्टे हमारे और 1 लास्ट का सीधा और उल्टी लाइन उल्टी। उल्टी सिलाई उल्टी ही आएगी। अब फ्रेंड्स हमारी लास्ट वाली सिलाई है जहाँ पे उल्टे फंदे बढ़ जाएंगे और सीधे फंदे घट जाएंगे। ये देखिए हमारे सीधे फंदे घट रहे हैं और उल्टे बढ़ रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4 चार हो गए फ्रेंड्स। अभी ये लास्ट लाइन है, इसमें 5 हो जाएंगे और यहाँ ये 1 है जो ये भी घट जाएगा। ये देखिए एक बिन के फ्रेंड्स, एक बिना है मैंने और फिर मैंने 2 का 1 किया है, ये देखिए फिर 2 का 1 किया है और फिर हमारे यहाँ 5 उल्टे फंदे बनेंगे, 3 4 5। फिर मैं 1 सीधा फंदा डालूंगी और धागा घुमा के आगे लाके 2 का 1 2 का 1 फिर आगे धागा करके 5 उल्टे बिनूंगी और उल्टी सिलाई उल्टी ही बिनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ हमने स्टार्टिंग में 5 सीधे बनाए थे, फिर 2 का 1 2 का 1 जाली डाल के फिर 1 उल्टा बनाया था फ्रेंड्स। ये हमारी 10 की डिब्बी थी। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ सीधे डाले थे पहली डिब्बी में, अब यहाँ उल्टे डालेंगे 5, तो डाल के बताती हूँ आपको दूसरी डिब्बी। पहले 1 फंदा सीधा उठाएंगे फिर 5 उल्टे डालेंगे, 1 2 3 4 5 5 डलेंगे फिर 5 सीधे डलेंगे, 1 2 3 4 5 5 सीधे डले फ्रेंड्स। ये देखिए ध्यान से अब जाली डलेगी फ्रेंड्स, 2 का 1 और 2 का 1 और फिर उल्टा फंदा 1 और बाकी के सीधे फंदे 5। ये हमारे लास्ट के फंदे 5। ये देखिए फ्रेंड्स ये जाली बंद हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं है और ये जाली ऊपर तक जाएगी जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जाली यहाँ बंद हो गई और ये जाली यहाँ जा रही है, फिर आगे डब्बी जाएगी उसके साथ ये जाली जाएगी। फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स ये बनने के बाद। ये देखिए ये देखिए ये देखिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।